बिल्कुल, मणिपुर से बीजेपी सांसद और विदेश राज्य मंत्री आरके रंजन सिंह ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है। उन्होंने बताया कि मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी थी, केंद्र से अतिरिक्त फोर्स की जरूरत थी। यह कहना है आरके रंजन का। राज्य स्तर पर हालात नहीं संभल रहे हैं, हिंसा में मेरा घर भी जला दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार पहले से तैयार होती तो मणिपुर के हालात संभल सकते थे। मणिपुर के सांसद डॉक्टर आरके रंजन सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, और बीजेपी से सांसद हैं आप, और कैसे हैं आप, सबसे पहले तो ये पूछूं। हाँ, हम तो ठीक है, ठीक है। मेरा सवाल है, मणिपुर आज नहीं जल रहा है, मणिपुर 3 मई से जल रहा है। मणिपुर इज बर्निंग एंड इट इज नोन टू ऑल, लेकिन मणिपुर के दो प्रतिनिधि हैं, सांसद प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंटेटिव हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी से दोनों आप दूसरे हैं, मैंने लोरो सर से भी बात की है, लेकिन सवाल यह है कि दोनों सांसद संसद में क्यों नहीं बोल पाते हैं अपने क्षेत्र के बारे में, अपने राज्य के बारे में। तो बोलने का हम रिक्वेस्ट किया, हमारा टाइम अलॉटमेंट तो नहीं मिला, फिर भी आपको टाइम अलॉटमेंट नहीं मिला, ये मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए था। तो फिर मैंने बोलने का सबसे मटेरियल है ना, ये सबको हमारा लीडर को बता दिया मैं इसी बात में बोलना चाहिए, तो इसके बाद वॉट एवर सपोज टू स्पीक बाय मी अबाउट द इशू दैट वाज ऑलरेडी स्पोकन बाय आवर होम मिनिस्टर, सो आई रिलाय ऑन दैट। तो आपको लगता है कि अगर आप बोलते तो अच्छा होता? मालूम है, फिर भी यूनियन मिनिस्टर होने के नाते तो हमको बोलने का मौका तो नहीं है, फिर भी मैं इंटरवेंशन कर सकता है, तो इंटरवेंशन के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया। फिर इंटरवेंशन करने वाला हमारा सीनियर मिनिस्टर बहुत था, वो लोग को पहले चांस दिया है, दैट इज़ द ओनली थिंग्स। शुरू से ही मैंने प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट लेटर भेज दिया और इसका कॉपी होम मिनिस्टर को दिया, वहाँ में मैंने 13-14 पॉइंट लिखा है, उसी में सबसे नंबर वन तो हमारा वायलेंस तो हमारा स्टेट फोर्स ने कंट्रोल नहीं सकता, इसलिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को मैंने मांगा, वो दिया था। मणिपुर सरकार, राज्य सरकार जो काम कर रही है, कैसे देखते हैं आप उसको? राज्य सरकार थोड़ा सा क्या है तो वायलेंस को कैसा कंट्रोल करना उसका प्रिपरेशन भी नहीं था।